स्टाइल देखिए, उनका लुक देखिए। हमारी एरिया के मॉडल है बॉक्स क्रिकेट ऑफिसर के शहबाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसी मेरी यूट्यूब की फैमिली। मैं फिर वापस आ गया हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग लेते हुए, और माशाल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह का करम है, हम लोग ने बहुत जल्दी एक अच्छा सा बड़ा सरप्राइज़ आपको जो बोला था माशाल्लाह, वो दिन आज हमारे लिए आ गया है, हमारी टीम के लिए आ गया है। आप देख सकते हैं मैं जो गेटअप में हूँ, अगर कुछ एंटीक रहता है तो ही इसमें कुछ मतलब सरप्राइज़ होता है, लेकिन वो सरप्राइज़ ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा। तो आज जो हम लोग जब साथ में ज्वाइन हुए और साथ में मिल के जो हम लोग का प्लान था, तो हमारी जो टीम थी MM क्लब बॉक्स क्रिकेट, उसकी ओपनिंग है माशाल्लाह आज, और बहुत अच्छे और बड़े लेवल पे कर रहे हैं। जो दिन का इंतज़ार था वो दिन आ चुका है, और बहुत से हमारे फ्रेंड भी आए हैं, हमारे रिलेटिव भी है, और काफ़ी बड़े लोग भी आने वाले हैं, शिवड़ी के मस्तान लोग भी आने वाले, बहुत लोग आने वाले माशाल्लाह। और अभी मैं ये ब्लॉग आगे कंटिन्यू ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे जो टीम है और जो मेरे साथ में लोग हैं उनको भी इंट्रो देना है, उनको भी खिलाना है। ओ गाइस, हम वापस से आपके पास आ गए और ज़्यादा क्लोज इसलिए आ रहे क्योंकि आज हमारी जो टीम है और जिनके लिए हम आए हैं मस्ती और इंजॉय करने के लिए, MM क्लब बॉक्स क्रिकेट चलते हैं, हमारी टीम मेंबर से मिलते हैं माशाल्लाह। उनकी क्या राय है चैनल के बारे में वो भी पूछते हैं, और वो क्यों आए हैं और इतनी मोहब्बत में आके पहले से बैठे हुए हैं, उनकी जवानी उनसे कुछ सुनते आई हमारे। तो ये हमारे आन मान शान चैनल की मिस्टर आमिर मोइन भाई के भाई भी हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा ऑपरेटिंग भी करते हैं। मैं खुद इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि पहली बार हमारे चैनल पर है संस्था वाले को। तो क्या बोलते हैं आमिर, आप कैसे हो आज, यहाँ आप क्यों आए हो? अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी है ऑफिस के। अच्छा अच्छा, तो ये हमारे टीम के मेंबर है, ये हमारे चैनल के लिए बहुत अपना टाइम देते हैं माशाल्लाह, और बहुत हमारे चाहते हैं माशाल्लाह, बहुत मेरा ख्याल भी रखते हैं और मेरे से बहुत प्यार भी करते हैं। तो चलेंगे बाद में वापस से इनसे बात करेंगे, क्योंकि अभी अभी हमारे टीम के मेंबर मिस्टर जुनेद जो हमेशा एक्टिव रहते हैं, देखिए उनके स्टाइल देखिए, उनका लुक देखिए, हमारी एरिया के मॉडल है, अगर आप उनको पहचानते तो कमेंट करिए इनके बारे में कि जुनेद से कौन कौन प्यार करता है, उनकी DC कैसी लगी, उनका कपड़ा कैसा लगा, वो सब बताइए। आप भी हमारे टीम के मेंबर हैं और माशाल्लाह हमेशा योगदान देते हैं हमारे चैनल के लिए, आगे टाइम देते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पास आने के लिए, ऐसी बनी रही है और हमारे चैनल को ऐसे जाना। बाद में दिखाए गए तो चलते हैं, हम जुनेद से बाद में बात करेंगे, लेकिन आप कमेंट करिए जुनेद के बारे में, बताइए हमें। तो ऐसा लग रहा है कि आज़ादी मिल चुकी है, लेकिन ये आज़ादी कुछ ही टाइम की है, उसके बाद वापस से वो कैमरे पे आ जाएगा और अपना रोल जो है वो पूरा करेगा। तो अब्दुल भी MM क्लब बॉक्स क्रिकेट ऑफिस का है, तो अब्दुल आपको हमारे चैनल के लिए मतलब क्या कुछ कहना है, मतलब क्या सोचते हो चैनल के लिए? हमारे मस्ती एंजॉय। तो अब्दुल का भी कहना है MM क्लब बॉक्स क्रिकेट को प्लीज़ लाइक शेयर और आपका प्यार दीजिए, और प्लीज़ जितना हो सके हमें ऐसी मोहब्बत करके आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका प्यार ही हमारी डेस्टिनी है। जो अभी अभी हाल ही में हमारे MM क्लब बॉक्स क्रिकेट को ज्वाइन किए, अस्सलाम वालेकुम। तो आप भी अपने चैनल की थोड़ा कस के बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही, जुनेद की तरह एक्टिव रहिए। तो जहाँ भी सूट रहेगा वहाँ आएंगे और मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, धमाल करेंगे। जो मेंबर है हमारे टीम के, जो आन बान शान है, जो हमारी टीम की क्या बोलते हैं यूनिटी है, मिस्टर अरबाज, अस्सलाम वालेकुम। कैसे अरबाज? तो आप भी अपने चैनल के ओपनिंग में आए, हमारे घर में बहुत। तो आप क्या सोचते हैं हमारे चैनल के बारे में? इंशाल्लाह भाई बहुत आगे जाएगा, झूठी तारीफ नहीं करना भाई। ये ऑन कैमरा हमारे आप यूट्यूब फैमिली को बोल रहे हैं, तो अच्छी बात है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी जवान पूरी करे और MM क्लब बॉक्स क्रिकेट को माशाल्लाह अल्लाह इसी कामयाब करे। तो मैं वापस आ गया आपके पास में, तो मैं आपको जो बोला था, जो हमारी जो सर्टिफिकेट आई हुई है करने के लिए, वो सिर्फ माचे से मुझसे हमारी टीम से। तो पहले जो ये है हमारे जो भाई है बॉक्स क्रिकेट ऑफिसर के शहबाज भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो आप? अलहमदुलिल्लाह। जो ये हमारा चैनल है,
मिस्टर साहिल ब्लॉग स्टार। हम एक्चुअली ब्लॉगिंग भी करते हैं और काफ़ी कुछ मतलब स्टोरी करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये भी हमारे बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त भी है, और इनके जो भाई है सद्दाम भाई, वो अभी इधर नहीं है ना, तो गोवा में उनका शूटिंग है। तो मैं अभी भाई से कुछ पूछूंगा, माशाल्लाह भाई बताएंगे अपने चैनल के बारे में बताएंगे, और जो हमारी चैनल है उसी में अच्छे मतलब बहुत के बारे में उनके बारे में बताएंगे। तो सरकार भाई, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपका चैनल है बॉक्स क्रिकेट ऑफिशियल, बराबर नाम है ना, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए हमारे चैनल। देखिए, हमारा बॉक्स क्रिकेट ऑफिशियल इतना फेमस हो चुका है अभी के टाइम पर, पहले कोई जानता नहीं था। पहले जो हो चुका था पहले कोई जानता नहीं था, पर अभी लोग पहचानने लगे, जानने लगे हमारे सद्दाम भाई के नाम से। अच्छी बात है, माशाल्लाह मैं उनके साथ काम भी किया, काम भी किए भाई ने आपने, माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है। हमारा जो बॉक्स क्रिकेट ऑफिशियल है एक आईडी हैक हो चुका था, अभी हम लोग ने एक दूसरी आईडी फिर से खोले बॉक्स क्रिकेट ऑफिशियल से, वही नाम से अभी हम लोग, हमारी मुलाकात भी बहुत बेहतरीन हुई थी। अभी हमारा मुलाकात, हम उनको सपोर्ट करते हैं, वो हमारे को सपोर्ट करते हैं। एमएम क्लब वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे ग्रुप मेंबर है, बहुत अच्छे हैं, और इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा कि इनसे क्या ये हमारे से और ज़्यादा आगे बढ़े। एमएम क्लब वाले हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़े। भाई ये मैं शहबाज भाई को यहाँ रोकूँगा कि मैं चाहता हूँ कि शहबाज भाई का जो चैनल है और माशाल्लाह हमारा जो चैनल है, दोनों जन मिलके काम करेंगे, और अल्लाह ताला हमें दोनों चैनल को तरक्की देगा, साथ में मिलके काम करेंगे, और जहाँ उनको हमारी ज़रूरत है कि हम उनके लिए खड़े रहेंगे, जहाँ हमारी उनको ज़रूरत है वो हमारे लिए खड़े रहेंगे। फाइनली गाइस, देख सकते हैं आप, मैं एकदम रैंडमली इनको कैमरे पे लेके आ गया हूँ, क्योंकि इनको मेरे हिसाब से तो जहाँ तक मुझे लगता है तारीफ की ज़रूरत नहीं है, और इंट्रो देने की भी ज़रूरत नहीं है। चेहरा इतना फेमस है, सब लोग जानते हैं, तो भी मैं बता देता हूँ, ये हमारे समीर किंग है, किंग किंग ऑफ मुंबई बोल सकते हैं या महाराष्ट्र बोल सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, और संजय भाई चाहिए। तो आज हमारी जो एमएम शूटिंग आप उसी से आए हो, तो मैं बोल सकता हूँ ये जल्दी कहीं आते नहीं हैं, और आते तो भाग जाते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह रुके हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो एंड में जाएंगे ना, ये ऐसा तो नहीं वीडियो निकाल के भाग जाएंगे। समीर भाई को बोलना पड़ता लाइव, क्योंकि ज़रूरी है, बाद में फिर ऐसा नहीं भाई चले जाएंगे तो अपने तकलीफ हो जाएगी। तो समीर भाई, आप क्या सोचते हैं एमएम क्लब बॉक्स के बारे में? आपका बहुत बड़ा योगदान है, मैं देखा हूँ आपको। एमएम क्लब के जो ऑनर है मौसी, वो तो सबसे पहले मेरे दोस्त हैं, और दोस्त के नाते मैं उनके यहाँ पर हर इवेंट पे मैं आता हूँ। अच्छी बात है, जहाँ से वीडियो निकालते हैं वहाँ पर भी मैं जाता हूँ, और जो जो इंटरटेनमेंट करते हैं प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम यहाँ ड्रॉमेंट सब बढ़ जाता है। अच्छी बात है, और उसके बाद में तो आपकी तो बात नहीं, वो तो भाई देखो आपको बोलना पड़ेगा, कैमरे पे बोलना पड़ेगा। भाई बोले जग्गू भाई जिन्हें आ गए तो बस। अच्छी बात है, तो आप बोलेंगे तो माशाल्लाह तभी तो मेरे पैसा लगेगा। जग्गू भाई का बहुत से मैं वीडियोस देखता हूँ, उसमें फॉलो है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और कुछ कमी तो है बोल दो, अभी कुछ कमी नहीं, कुछ तो होएगा कुछ देखने में, कहने में, क्या ड्रेसिंग सेंस बोलो, उनका बोलने का तरीका बोलो, बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है। अल्लाह का शुक्र है, समीर भाई ने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि माशाल्लाह मेरी मेहनत मुझे और आगे कामयाब करेगी। इंशाल्लाह ऐसे हमें प्यार करिए, ऐसे हमारे चैनल को प्यार करिए। तो फाइनली गाइस, मैं वापस आ गया हूँ आपके बुलाने पे, और आने का जो मेन मकसद था मैंने आपको बोला था। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो हस्ती है जो यहाँ माशाल्लाह आके बैठी हुई है, भाई का नाम साजिद है, और माशाल्लाह बहुत अच्छे गायक हैं। तो मैं अपनी जवानी और बाकी लोग की तरह आपको एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इनको जूनियर रफीक साहब भी बोलते हैं, जो गायक हैं मोहम्मद रफीक साहब, तो उनकी जवानी उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही सब कुछ पूछता हूँ मैं, वही आपको बताएंगे, क्योंकि माशाल्लाह उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और शायद जहाँ तक मुझे लगता है वो आप लोग के लिए दो अल्फाज भी गा देंगे। तो अस्सलाम, आप भी हमारी ऑफिस की ओपन में आए? जी जी। अच्छा, जो तो मैं एक छोटा सी सवाल है मेरा, जी बताइए, पार भाई है, शहबाज भाई बोले, तो पहली बात तो आप अपना कीमती टाइम यहाँ निकाल के आए हमारी ऑफिस की ओपनिंग, उसके लिए मैं तहे दिल का भाई का शुक्र अदा करता हूँ माशाल्लाह, क्योंकि बहुत बड़ी बात है अगर वो टाइम निकाल के आए अपना, तो बहुत बड़ी बात है हमारी टीम के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे, हमारे जो चैनल के जो हमारे यूज़र हैं, तो हमारी जो फैमिली है, अगर उनके लिए दो अल्फाज हो जाए, दो शब्द हो जाए, तो अगर वो आप गा देंगे तो खुश हो जाएंगे, और हम लोग भी यहाँ माशाल्लाह खुश हो जाएंगे। तो आप गाएंगे और हम लोग इंशाल्लाह इन्जॉय करेंगे।
जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो आपको अच्छा लगता है हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए आप गा दीजिए रफीक साहब की आवाज़ में। फलक से तोड़ कर देखो सितारे लोग लाए मगर मैं वो नहीं लाया जो सारे लोग लाए हैं। कोई नजराना लेकर आया हूँ मैं दीवाना तेरे लिए आज छलका है खुशियों से दिल का पैमाना। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह। शहबाज भाई क्या बोलते हैं, माशाल्लाह कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर लगा माशाल्लाह। अबू है, अबू को तो माशाल्लाह, लेकिन वो कुछ नहीं बोलेगा, मैं ही बोलूँगा पाड़ दिया माशाल्लाह। अगर कहना चाहता हूँ साजिद भाई ने जो माशाल्लाह गाया है, पहले से थोड़ा सी गाया है लेकिन दिल जीत लिया मेरा। और जितने भी यहाँ लोग हैं और जो लोग हमें अभी देखेंगे हमारे ब्लॉग में, वो भी कमेंट करिए कि साजिद भाई का गाना आपको कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट जरूर करना, तभी मुझे पता चलेगा कि साजिद भाई को आप कितना चाहते हो और मेरे चैनल को कितना पसंद करते हो। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद भाई, शुक्रिया आप लोगों का। तो आप इधर आए, आपके लिए मैं वापस से आपका लेने से शुक्रिया। और आगे जो हमारा बड़ा इवेंट होने वाला है उसमें आपको धमाल करना। ये तो ट्रेलर है, आगे पिक्चर अभी बाकी है, लेकिन वो कौन से दिन है वो मैं अभी आपको नहीं बताऊँगा, वो सस्पेंस है। तो चलिए हम जाते भी अंदर, काफ़ी लोग आए उनसे मिला करता हूँ। तो आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर काम वाले बस आ गया हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं मेरी बेटी रिजा फातिमा जो बहुत टाइम बाद मेरे ब्लॉग में आई है, बहुत जिद करके आई है कि अब्बू आज मैं आऊँगी, अब्बू आज मैं आऊँगी। तो उसके लिए मैंने उसको लेके आया है। तो रिजा अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हो बेटा? तो आप किधर थे इतने दिन से, हमारी यूट्यूब फैमिली आपको मिस कर रही थी, आप वीडियो में नहीं आ रहे थे, पूछ रही थी पब्लिक। तो नहीं, ये शर्मा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूँ उसकी तरफ से, जैसा सबकी तरफ से बोलता हूँ। आगे ये आएगी माशाल्लाह, धमाल करेगी और पार्टी शार्टी भी होगी, क्योंकि इसका आगे कुछ प्लान है, तो वो भी हम आपको आगे के ब्लॉग में बताएंगे।